हेलो दोस्तों, वेनम जल्दी ही थिएटर में आने वाली है और अभी से हमें फिल्म के बारे में बहुत कुछ पता लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करेंगे। स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं एक और बार आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, अगर आप फिल्म देखने के बाद ही पोस्ट क्रेडिट सीन देखना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप फिल्म देखने के बाद भी फिर से देख सकते हो। एक बात कंफर्म है कि फिल्म में दो क्रेडिट सीन होने वाले हैं, जिसमें एक मिड क्रेडिट सीन होगा और एक पोस्ट क्रेडिट सीन। तो चलिए पहले मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। मिड क्रेडिट सीन इस फिल्म में हमें कार्नेज के बारे में बताएगा। इस सीन में एडी सेंट क्वेंटिन प्रिजन में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ वे वुडी हैरल्सन के कैरेक्टर से मिलेगा। वुडी हैरल्सन इस फिल्म में क्लिफ कैसिडी का किरदार कर रहे हैं। इस सीन में हैरल्सन हमें विग पहने दिखेंगे। विग की मदद से सोनी शायद कार्नेज के आइकॉनिक लाल बाल छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब एडी हैरल्सन के पास जाता है तब हैरल्सन उससे कहता है, क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैं सीरियल किलर हूँ या फिर तुम कार्नेज के बारे में जानना चाहते हो। ये डायरेक्ट रेफरेंस है हैरल्सन के पागल और खतरनाक सिम्बियोट कार्नेज की वेनम यूनिवर्स में। लगता है सोनी अपने वेनम यूनिवर्स के लिए बड़े सेटअप कर रही है। शायद हमें कार्नेज फिल्म के सिक्वल में दिख सकता है और वह वेनम के सिक्वल में मेन विलन भी हो सकता है। आखिरकार वेनम और कार्नेज की दुश्मनी बहुत पुरानी है। कार्नेज को सिक्वल में लाना सोनी के लिए एक तरह से बहुत फायदेमंद हो सकता है। सोनी आगे जाके वेनमवर्स को और बड़ा करने वाली है, जिसमें कार्नेज के अलावा हमें बहुत सारे विलन दिख सकते है। इस वेनमवर्स में कार्नेज का होना बहुत जरूरी है। फिल्म के लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। ये क्रेडिट सीन वेनम या फिर वेनमवर्स के किसी फ्यूचर के फिल्म्स के बारे में नहीं था, बल्कि एक दूसरे फिल्म के बारे में है, जो फिल्म सोनी दिसंबर में रिलीज करने वाली है। हमारे सामने स्क्रीन एकदम से बदल जाती है और हमें लिखा दिखता है, इस दौरान स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन इंटू द स्पाइडरवर्स सोनी की आने वाली फिल्म है, जो माइल्स मोरेलस के स्पाइडरमैन पर आधारित है। इस फिल्म में हमें अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और स्पाइडरवुमन देखने को मिलने वाले। ये बात अच्छी है कि सोनी ने अभी से स्पाइडरवर्स के लिए तैयारी शुरू कर दी है और शायद मुझे लगता है कि सोनी के स्पाइडरवर्स में हमें बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है सोनी के वेनमवर्स के बारे में। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Till I get up.